हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आराम से वीडियो देखते रहेंगे। लेकिन एक बात है, आप लोग वीडियो देखिए ठीक, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ा रहेगा। दोस्तों आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे 7.2 के क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम अगला क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं भी मिस्टेक आपको लग रहा है, अच्छा कुछ भी अगर परेशानी आप लोग को है, तो तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। अब चलते रहिए, अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन। चलिए यहाँ क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन प्रतिस्थापन विधि से हम आपको बताए थे कि पहले क्या करना पड़ता है, पहले अवकलन करना पड़ता है। तो देखिए ये तो बाहर है cos 2x, ये अंदर। तो ऐसा चीज माने साइन का अवकलन cos होता है, अवकाश का अवकलन क्या होता है, साइन होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन देख रहे हैं जो रूट में है, अगर हम उसको मान लेंगे तो हमारे ये आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले हम इसी को मान ले रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, और जो इसके विस्तृत जानकारी है मैं आपको अगले वीडियो में पहले दे चुका हूँ। चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना साइन 2s को क्या मान ले, अगर हम t मान लेते हैं। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि साइन n और x का समाकलन का होता, अवकलन बताए थे हम कि अवकलन होता है n साइन x होता है, ये बताए थे ना। कैसे होता है इसका हम पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताए थे, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके कि हम बहुत विस्तार से बताए थे। जो एक क्वेश्चन को हम एक लाइन में बताए हैं उसको हम एक पेज में करके बताए हैं, आप लोग पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ आपको डायरेक्ट करेंगे कि साइन, अब दोनों पक्षों का यही प्रतिस्थापन कहलाता है, बार बार लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि यही कहलाती है। कभी कभी विधि पूछ लेता तो लोग ध्यान रखिएगा, यही प्रतिस्थापन विधि है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है, आप लोग जानते हैं ना। तो यहाँ करेंगे डी बाई डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 आगे चले आएगा, 2 साइन का क्या होता है, कास होता है, और क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी, तो डी टी हो जाएगा। देखिए 2 cos 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखिए चल हमको अगर यहाँ हमको समाकलन नहीं करना है, चलिए क्वेश्चन यही है ना कि साइन 2x और क्या लिखा है, cos 2x, तो dx हमको लगाना ही है। तो देखिए cos 2x, अब देखिए यहाँ cos 2x dx है ना, cos 2x dx इतने बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डी टी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 2 ज्यादा अधिक है इसके आगे है, तो इसको हम हटा दें तो हो जाएगा cos 2x, चाहे यहाँ लिख दें इसको हम, बहुत यहाँ दिखा दे रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा cos 2x और क्या हो जाएगा dx, और dt अपन क्या हो जाएगा 4। देखिए 4 नहीं 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ है वो नीचे चला जाएगा तिरे गुणा करके। अब देखिए इस इतने नहीं काली सकते हैं, dt बाई 2। अगर जहाँ आपको दिक्कत होगी तुरंत कमेंट कीजिएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम आप 80 हो गया, क्योंकि इसको t माने थे हम, यहाँ लिख सकते हैं t और क्या लिखेंगे dt बाई 2। तो 2 क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, तो हमारा बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2। और क्या यहाँ देखिए, यहाँ रूट रूट को लिख सकते हैं हम, देखिए रूट को लिख सकते हैं t पर 1/2, अब इनका हो जाएगा dt। अब समाकलन का सूत्र आपको हम बता दिए हैं कि अंश और हर में घात में एक का के लिए जोड़ दिया जाता है, तो t है 1/2 + 1 और 1/2 + 1 + का हो गया c, c का मतलब क्या हो गया, समाकलन हो गया। अब लिख सकते हैं 1/2 और 2 × 2 कितना हो गया 3, एंड 3/2 का हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2 + c। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं ना, तो हो जाएगा 2 द्वितीय आपस में गुणा क्या जाएगा 6, और टी पर लिख सकते हैं 3/2 + c। अब इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, इसको द्वितीयाएँ 6, हम इसको हम काट सकते हैं तो 1/2 का हो गया 3, और टी का मान रख सकते हैं हम, देखिए यही है ना, इसको काट सकते हैं 3/2 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x को 3/2 + c, या अब आगे क्वेश्चन अब बढ़ा सकते हैं या करके आर करके बता दे रहे हैं 1/3। देखिए 3/2 यानी 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट मतलब होता है, रूट होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं
साइन 2x को 3 घात लिख सकते हैं, या और का उत्तर इसका लिख सकते हैं आंसर 1/3 है, इसको लिख सकते हैं साइन 2x और लिख सकते हैं साइन 2x प्लस सी, यहाँ दोस्तों प्लस सी यहाँ है आंसर। देखिए ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, आज तीनों एक ही चीज लिखा गया, क्यों कैसे देखिए 3 लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है तो 2 का जोड़ा बनता है, 2 जोड़ा निकल जाएगा बाहर, एक ठो बच जाएगा, यहाँ यही रुक गया, यहाँ इस तरीके दिया गया, यहाँ सिर्फ तीनों क्वेश्चन यही है आपका, यही आंसर हो गया 27 का। चलिए दोस्तों अब हम 28 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपको हम बताए थे कि एक का अवकलन का होता है 0 होता क्यों कंसोनेंट है, और साइन का उनका होता है कास होता है, तो अगर नीचे वाला पूरा को मान लें हम तो ये वाला आ जाएगा पोर्शन। तो पहले दोस्तों यही देखते हैं कि किसका अवकलन करने पर एक संख्या प्राप्त हो जाए, वही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, तो हम पहले इसी को मान ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देख रहे हैं, माना ऑन साइन अगर एस को हम क्या मान लें, अगर टी मान लें, तो हम दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, अर्थात क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ का हो जाएगा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये वन का हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन का होता है कास, बता चुके हैं आपको हम कास एक्स, और क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3x तो हो जाएगा कास एक्स और dx पर क्या हो जाएगा dt। तो चलिए दोस्तों यही है क्वेश्चन है कि कास एक्स हो गया, यहाँ हो गया 1/1 एक्स और क्या है dx। देखिए दोस्तों कास एक्स से dx पर क्या लिख सकते हैं dt, और इसको क्या माने हम t माने हैं ना, तो ऊपर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा √t हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा dt, अब जानते हैं ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1t/1/2 हो गया, अब फिर dt, क्योंकि रूट का मतलब होता है यही ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा t/-1/2 dt। चलिए इसको ठीक से लिख दे रहे हैं 1/2-, हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे इसका हम, तो t/(1/2+1) जोड़ लें, यहाँ भी -1/2+1 जोड़ लें, प्लस का हो गया सी, हमारा समाकलन हो गया ना। अगर हम इसको अब हल करेंगे तो आप तो बड़े जानते होंगे कि 2 × 2 में से कितना बचेगा, बड़े 2 बचेगा, यानी t/(1/2), यहाँ भी बचेगा 1/2+c, तो नीचे कहाँ ऊपर चल जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ 2 बचेगा, 2/1 से कोई मतलब है नहीं, यानी टी पर के ना 1/2+c, यह लिख सकते हैं यहाँ पर 2√t, क्योंकि 1/2 मतलब क्या होता है 1/2 मतलब रूट ही होता है ना। अब इसका हम मान रख दें अगर हम, तो देखिए बच्चों हो गया अपन, आपका मान हो गया टी का मान, देख लिए क्या माने थे 1/1+sin x+c, यही आपका आंसर का हुआ कंप्लीट हो गया आपका। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए दोस्तों अब हम देख रहे हैं 29 क्वेश्चन, इसमें क्या प्रत्यास्थापन विधि से हमको ही समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को जाने भाई बहुत अहम चीज़ है, आप लोग को बुक में मिल जाएगा, ऐसा तो है ना इस पर हम इसका डेरिवेशन कर दें हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए यूट्यूब पर इसके चैनल पर सब कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ बुक में हम लोग देख दीजिएगा कि log sin x, ये सूत्र याद करिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा असर हो जाएगा, कन्फ्यूजन कर देगा आप लोग को, log sin x का डिफरेंशिएशन मतलब d/dx होता है cot x होता है, क्या होता है cot x होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे, अब तो हो जाएगा आप लोग को, यहाँ लिख दीजिए log sin x को क्या माने, अगर हम t क्यों माने, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका कई विधियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं उसको हम बताते जाएंगे। चलिए log sin x का डिफ्रेंशिएशन करिए d/dx, क्या हो जाएगा log sin x, अब फिर क्या हो जाएगा dt/dx। तो log sin का अवकलन का बता दिए हैं कि डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन का होता है, क्या होता है cos x होता है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए cot x dx बराबर क्या हो गया dt हो गया, यहाँ तक आपको दिक्कत होगी नहीं, अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो ये पूरा चीज़ आपका अगर हम यही क्वेश्चन था ना कि cot x log sin x और dx, यही तो क्वेश्चन पूर्ण रूप से होगा, अगर हम क्वेश्चन में तो दिया है, अगर पूरा हम इसको जब रखेंगे अपने कॉपी पर तो ही जाएगा ना, तो log sin x cot को इसको मान लिए आप लोग t मान ले हैं, और cot x dx को क्या बराबर का है t है, यही है ना, इसको इसके cot x dx पर क्या है dt आ गया,
तो यहाँ आपका होगा टी और फिर क्या हो जाएगा डी टी। तो इसका अवकलन करें हम सिंपली, तो एकदम सिंपली है, क्या हो जाएगा एक घात यहाँ छिपा है तो एक कन दो हो जाएगा, फिर यहाँ भी दो हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सी। अब वन अपॉन टू और टी का मान क्या है, क्या माने हैं लॉग साइन एक्स पर क्या हो जाएगा टू प्लस सी। बच्चों एक बार और देख लीजिए इसको, हम आपको स्पेलिंग कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया बुक में, जब उसको रखेंगे तो इसे आएगा ना कि समाकलन चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ हमको ये पता हो किसका अवकलन क्या होता है, हमें पता है लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉट एक्स होगा, और यहाँ दिखा दें सूत्र में लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉट एक्स होता है, तो लॉग साइन एक्स को हम क्या मान लें टी माने, क्यों माने, क्यों किसको माने पे आएगा नहीं, तरीका तो बहुत है लेकिन प्रतिस्थापन दोनों आपको हम आसान करने बता रहे हैं। तो लॉग साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम, तो जब करेंगे दोनों पक्षों का करेंगे हम, तो यही किए हैं, यहाँ टी है तो टी के सापेक्ष, अच्छा तो यही होता है एक्स है तो एक्स यहाँ है तो यहाँ टी है, यहाँ लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉट एक्स होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तिर्यक बराबर का डी टी, यानी कॉट एक्स और डी एक्स थोड़ा अकेला कर सकते हैं डी टी सकते हैं, और इसको क्या माने हैं टी, तो यहाँ टी हो गया डी टी हो गया। अब इसका सिंपली अवकलन का समाकलन करेंगे तो एक घात छिपा है जुड़ जाएगा टी स्क्वायर बट टू हो जाएगा अपन प्लस सी, तो वन अपॉन टू बहा ले सकते हैं और टी का मान रख दें लॉग साइन एक्स पर क्या हो गया टू घात प्लस सी, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए अब यहाँ हम 30 क्वेश्चन हल करना है, तो यहाँ आपको एकदम दिखाई दे रहा है को कास का अवकलन साइन होता है, साइन का अवकलन कास होता है, तो हम आपको बताए थे कि हमेशा हर वालों को मानने पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए हम इसको मान ले रहे हैं। तो चलिए अब पूरा चिन्ह लगा दे रहे हैं, ये डी एक्स ही होना चाहिए ना, तो चलिए ये हम मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा है तो मान के ही हमको चलना पड़ेगा कास एक्स बराबर क्या है टी, तो डाइट कर दे रहे हैं वन का अवकलन क्या होता है जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो होता है, आकाश का अवकलन क्या होता है माइनस होता है, साइन एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, तो आपको समझ आया होगा कहाँ से बहुत क्वेश्चन हम डाइट किए हैं, तो इसको विस्तार से इसको भी देख लीजिए। तो देखिए ये पूरा ऊपर वाला आ गया लेकिन यह माइनस है, माइनस हमको नहीं चाहिए उसमें है नहीं तो हमको नहीं चाहिए, इसको हम इसके हिस्से में भेज दे रहे हैं, ये हो जाएगा डी टी हो गया। आ गया दोस्तों ने, अब देखिए यहाँ आ गया हमारा माइनस है यहाँ लगा दें और वन अपॉन का हो गया टी और फिर क्या हो गया डी टी, क्यों टी, क्योंकि इसको हम टी माने हैं। चलिए तो वन अपॉन टी का समाकलन क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस का हो गया सी, समाकलन हो गया क्योंकि उसके पहले हम बताए थे वन अपॉन एक्स का समाकलन कितना होता है लॉग एक्स होता है, बता चुके थे हम, तो अगर टी है तो वन अपॉन टी हो जाएगा, ये माइनस है दोस्तों ने, तो अगर माइनस एक सूत्र होता है लॉग एम पर एन घात का सूत्र होता है एन लॉग एम होता है दोस्तों, तो अगर हम इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं लॉग टी पर इनवर्स प्लस वन, तो इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन लॉग टी लिख सकते, क्योंकि जब आएगा पूरा आएगा, क्योंकि माइनस कहाँ जाएगा पूरा माना जाएगा प्लस सी, अब मान रख दिए वन अपॉन का हो जाएगा लॉग टी का मान क्या है वन प्लस कॉस एक्स। चलिए दोस्तों तो हो जाएगा टी का मान रख दिए लॉग वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर यही हो गया। दोस्तों एक बात बताएं, अगर क्वेश्चन को आपको यहाँ नहीं करना है तो आप आंसर यहाँ भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस लॉग और टी का मान यहीं भी रख सकते हैं, तो हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स प्लस का हो जाएगा सी, अगर चाहें तो क्वेश्चन को हम यहीं का हल कर सकते हैं, इसको यहीं रोक देंगे तभी आपका आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि इसी चीज़ को हम यहाँ तो दिखाए हैं, बस यह माइनस है, जब माइनस हटाएंगे तो यहाँ यम पर यम का घात लगेगा, फिर यहाँ पर रास्ते चल जाए, चाहे तो आप आंसर यहीं रुक दें या तो यहाँ बढ़ा दें, बुक तक यहीं मिलेगा या आप विस्तार करेंगे यहाँ तक जाएगा दोस्तों। अब अगला चलिए दोस्तों, अब 31 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो इसके पहले जो 30 क्वेश्चन बताए हैं वही सेम टू सेम है, फर्क इतना है यहाँ दो घात है, तो क्या करना, जिससे आप लोग अवकलन किए थे तो वन अपॉन टी आया था, तो यहाँ क्या आएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो क्या जो टी पर माइनस टू हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप 30 जैसा क्वेश्चन के हिसाब से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट दीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन को हम बता देंगे, और इसके बाद ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, तब के लिए धन्यवाद।